उम्मीद है तमाम देखते और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं कराची में शहरा फैशन पर मौजूद हूँ और मुझे आज इनवाइट किया हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने इवेंट रखा हुआ है मेरे लिए, उनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरी बात करें कि पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद मुहिबुल्लाह साहब, ये जो है मुझे यहाँ से पिक करने आए हैं। बड़ा रहूंगा बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम। हमारे ऐसा मुजीब साहब हेडमास्टर हैं गवर्नमेंट स्कूल में शाहजहाबाद में ना, ये सैयद मोहब्बत आचार्य साहब, ये इनकी जन्म तिथि थी यहाँ के, और ये जावेद अदीम रहमानी साहब हमारे सदर हैं। सर सर हज पे गए थे पैदल, 6 महीने जो है मुसलमान लगे थे इनको, पैदल गए थे, और हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि आप लोगों को मुबारक। इतनी बड़ी नौजवान जो है नतंग जो है वहाँ आया के, हाँ पैदल गए हैं बिल्कुल जमीन पर। आज जी साहब आरोप पर आ रहा है कमला रास, आ जाए सर, आ जाए बार रास बार क्या है साहब, आ वही सर आ तो सर आ दर नबी पर बड़ा रहूंगा बड़े ही रहने से काम होगा, खिलाफे माशो कुछ हुआ है ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफे माशूक कुछ हुआ है ना कोई आशिक से। सामान खरीदा हो तुम आलो तेरी का काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है दिल जिधर वो आली मकाम होगा, दर नबी पर बड़ा रहूं
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قدمت الوعد واتقوا الله إن الله كبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب से चले हैं पैदल और खाने काबा तक पहुंचे हैं। कितनी बड़ी हमारे लिए एजाज की बात है कि आज वो मेरी कल मुलाकात हुई टेलीफोन पे और मैंने साईं को रिक्वेस्ट की कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लिहाजा हम आपको मुख्तसर टाइम के लिए बुलाएंगे। हमारे दोस्त हमारे साथी उनकी आपकी ज़ियारत भी करेंगे और आपके सबके शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो इस नौजवान ने हम सबका नाम फखर से बुलंद किया है, इसलिए ये पाकिस्तान का परचम लेकर ओकाड़ा से निकले थे और ये काम तो बुजुर्गों का होता है, अल्लाह से खौफ होता है कि हम जाएं और अल्लाह को राजी करके आए। लेकिन देखे इस नौजवान ने, इसकी दिल में खुदा ने खौफ डाला कि मैं जाऊं और अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों की माफी मांगूं और पाकिस्तान का नाम बुलंद करूं। आपको और हमें चुना है इस अजीम नौजवान को खराज अकीदत पेश करें, जिस शख्स ने पाकिस्तान का परचम लेकर और कमोपेश 7 महीने का सफर तय करके ओकाड़ा से चले, नहीं किया न बाइक को इस्तेमाल किया, न साइकिल को इस्तेमाल किया, न मोटरसाइकिल को इस्तेमाल किया, न किसी गाड़ी को इस्तेमाल किया और जबलों से पहाड़ों से आपको तो पता है इस नौजवान की अजमत को सलाम पेश करते हैं। और दोस्तों आप और हम कुछ नसीब हैं, बात होते हैं, मैंने उन्हें भी रिक्वेस्ट किया थोड़ी देर पहले कि साईं आप भी आए, शायद अल्लाह ताला इस घड़ी को हमारे लिए बख्शिश का जरिया बना दे। एक ऐसा नौजवान जो खाना काबा का दीदार करके आया वो भी पैदल, क्यों ना उनके साथ थोड़ी देर बैठे, उनके साथ बैठ के चाय पिए और मोहब्बत बांटे। मेहरबानी सर, क्योंकि ये हम सब के लिए बड़ी सआदत है कि हम जो है यहाँ पे एक अजीम इंसान को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं और मैं शफी मोहम्मद बलदेव का मैं जावेद अजीम रहमानी साहब से भी गुजारिश करूंगा, एक अजरक का तोहफा सैयद बबुला शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे मोहतरम उस्मान अरशद साहब को सिर की रवायती फूक ये अजरक का तोहफा पेश करें। मैं अपने प्यारे दोस्त शफी मोहम्मद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने हाथों से एक अजरक का तोहफा हमारे मौजूद को उस्मान अरशद साहब को पहनाए। हाजी चंदेर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे हजरत मेहमान को ये फूलों का हार पहनाए। प्यार करना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं,
ये जो पुरानी रवायात होती थी इन्होंने इनको जिंदा किया है। यानी हमारी जो पुरानी तारीख रही है कि लोग पैदल जाते थे, आज इसने ज़िशान अहमद उमरानी साहब जो हमारे गेस्ट हैं वो भी आए स्टेज पे, फुलका हार पहनाए अलाज उस्मान अरशद साहब को। अब हमारा जो कराची डिवीजन का एक हमारा दोस्त है, आपको दुआएं दोगे कि आपने हमें उन खुश नसीबों में शामिल कर लिया कि हमने उनका दीदार किया, उनसे मुलाकात की और उनका दीदार नसीब हुआ। और जब आखिर में दुआ होगी यकीनन रब्बे काबा मानू सब न सोना पखी सब न हंज कह कह मानू है मंझ अचे बुई बहार जी इंतहाई अदब एहतराम से मोहतरम हमारे मेहमान और पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का शान उस्मान अरशद। मोहम्मद लोई साहब और सैयद मुहिबुल्लाह साहब, जुनेद अजीम साहब, चंद्रेश साहब और पाकिस्तान जिंदाबाद ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेम्बरान और दो बाकी दोस्त। इससे पहले 2021 में मैंने उगाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर पुरअमन पाकिस्तान के लिए पैदल सफ़र किया था। उसके बाद मैंने इरादा किया कि इंशाल्लाह अब मैं हज करने पैदल जाऊंगा, लेकिन चूंकि ये सफ़र एक लंबा सफ़र था, इसके दौरान काफ़ी मुश्किलात थीं, कई मुल्कों से गुजर कर जाना था, उन मुल्कों के वीज़े चाहिए थे, दरमियान में कई के किलोमीटर तक आबादी नहीं आती है, खाने पीने का मसला, सिक्योरिटी के खदशात। मैंने 8-9 महीने इस पर होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद पिछले साल 1 अक्टूबर 2022 को मैंने अपने शहर उपाड़ा से अपने घर से अपने पैदल सफ़र का आगाज़ कर दिया। तो मुझे अल्लाह पर यकीन था पूरा और अपने आप पर यह भी था कि मुझे पैदल चलने का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें मेरे जहन में थी। लेकिन ये है कि मैंने उस वक्त जब वहाँ पे होते हैं तो महसूस कर सकते हैं आप, ये वो बताना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जज्बात बताए नहीं जा सकते। जज्बात अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आप मेरे जज्बात से महसूस कर सकते हैं, या मैं आपके अगर जज्बात देख रहा हूँ तो आसरा देख रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ या महसूस कर सकता हूँ, बाद में वो बताए नहीं जा सकते। एक मरतबा फिर ज़हीर मेमन साहब, चंदेब साहब, सैयद हबीबुल्लाह साहब, शफी मोहम्मद बलोच साहब और अजीम साहब आपका और बाकी जितने मेम्बरान हैं, बाहर जो हमारी पुलिस खड़ी है, हमारे कैमरामैन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी नसीब करें, बहुत शुक्रिया दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। इन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, इनसे मुखातिब होकर इनसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और सबके लिए बहुत सारी दुआएं।